तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 40,000 रुपये का लोन जो कि 12 महीने के लिए मुझे प्राप्त हो रहा है। हालांकि मुझे लोन तो 50,000 का प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपको 40,000 रुपये का लोन यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव। और आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा अगर आप पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ये जो मुझे लोन प्राप्त हो रहा है ये मिल रहा है मुझे सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट यानी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से। आप चाहें तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की एक विशेषता है कि ये आपको कम सिविल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एप्लीकेशन ओपन करके अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाद में आपको वीडियो में एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को मैं फिलहाल ओपन कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है बहुत सारी परमिशंस मांग रही है, जैसे कि लोकेशन, SMS, इंस्टॉल ऐप, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर मुझे आई एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। आई एग्री पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं ओनली दिस स्टैम्प पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको एप्लीकेशन का नाम समझ आ गया होगा, एप्लीकेशन का नाम है MoneyView। अब ये थोड़ा सा भी अपडेट हो रही है तो इसमें कुछ समय लगेगा, तो अब ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिख कर रहा है गुड आफ्टरनून, अभी आप टाइम भी देख सकते हैं 2:42 हो रहे हैं। और सेलेक्ट प्लान पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक प्लान दिखाई देगा, ठीक है। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं कोई भी लोन ले सकता हूँ, चाहे 12 महीने के लिए, चाहे 9 महीने के लिए, 50,000 रुपये तक का। अपने हिसाब से मैं अमाउंट यहाँ पर कम्बल कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी मुझे नीड है मैं उतना अमाउंट यहाँ पर ले सकता हूँ। और सपोज अगर मुझे अमाउंट चाहिए 40,000 रुपये का, तो मुझे 4,079 रुपये की जो है EMI पे करनी होगी, वो भी 12, ठीक है। अब मैं 40,000 रुपये का लोन आपको लेकर दिखाऊंगा तो इस पर देखिए प्रोसेसिंग भी 3,068 रुपये चार्ज की जाएगी। अगर मैं 50,000 रुपये का लोन लेकर दिखाऊंगा तो प्रोसेसिंग भी 3,835 रुपये हो जाएगी। आप देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखाते जाऊँगा, इसको थोड़ा और कम करूँगा तो देखिए प्रोसेसिंग फी और कम हो गई और 30,000 रुपये और कम, और यहाँ पर और कम होती जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 महीने और 9 महीने का प्लान है 50,000 रुपये में। और अगर मैं कम लोन लेता हूँ 5,000 का, तो यहाँ पर देखिए 3 महीने का जो है 1776 रुपये का पेमेंट मुझे करना होगा। बाकी यहाँ पर 10,000 का अगर मैं लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 महीने और 9 महीने का प्लान आ जाता है। और यहाँ पर और भी प्लान्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 50,000 रुपये पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्लान्स कितने हैं, 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने, ठीक है। तो तीन प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं 50,000 रुपये पर। और मुझे यहाँ पर जो लोन चाहिए वो चाहिए लगभग मुझे 40,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, चलिए मैं 50,000 का ही आपको लेकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि मैं इसको थंबनेल पर प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। खैर तो अभी 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने का प्लान आपको दिखाई दे रहा होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे लिख कर आ रहा है 932 रुपये, इस पर इंटरेस्ट 6,497 रुपये पर जो है, मतलब जो 9 EMI है इस पर इंटरेस्ट होगा 941 रुपये। और 6 महीने वाली 9,306 रुपये की जो EMI है उस पर होगा 973 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट लगभग जो है यहाँ पर उसी हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर मैं 9 महीने कर देता हूँ प्रोसेसिंग फी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ पर भी प्रोसेसिंग फी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने पर प्रोसेसिंग फी सही बिल्कुल सेम रहने वाली है, बाकी EMI अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर 12 महीने वाला सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 5,098 रुपये की 12 EMI पे करनी होगी, ठीक है। खैर तो अभी 9 महीने का है और एक 6 महीने का है, और मैं यहाँ पर इसको अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 40,000 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको केवल लेकर दिखा रहा हूँ इसलिए। तो मैं 40,000 वाला अगर मैं प्लान सेलेक्ट करता हूँ तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी 3,068 रुपये यहाँ पर चार्ज की जा रही है। अब कन्फर्म एंड प्रोसीड पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 12 महीने का प्लान चूज़ करता हूँ तो, ठीक है, तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और 40,000 रुपये का लोन देखते हैं बैंक अकाउंट में रिसीव होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ समय लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज़ वेट, देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ समय लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल लाइव मैं प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर आ रहे हैं, पता नहीं अप्रूव होगा भी या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे जो है बस ऐड करनी है, फिर वेरीफाई करनी है KYC, फिर सेटअप करना है EMI ऑटो डेबिट, उसके बाद रिव्यू करना है, साइन करना है एग्रीमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लेट्स गो पर एक बार क्लिक करके देखता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 58-57 सेकंड्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, ठीक है। KYC वेरीफाइड हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पर मेरा एड्रेस आ चुका है। अब मेरे को एक बार कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह बताना है, मदर्स नेम वगैरह, और ओन हाउस या रेंटेड हाउस ये भी मुझे यहाँ पर बताना है, ठीक है, पर्पस ऑफ लोन। और मुझे बहुत सारी यहाँ पर जो है डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है, तो एक बार मैं फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कन्फर्म मैं प्रोसीड पर एक बार दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी बैक कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुझे वही लेट्स गो एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस वगैरह वो सब, मदर्स नेम वगैरह, पर्पस और लोन वगैरह, लैंग्वेज प्रेफरेंस कॉलिंग में वो सेलेक्ट करनी है, तो ये सब कुछ सेलेक्ट करके और फिर मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको बिजनेस नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, उसके बाद एनुअल सेल्स, इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, इसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद KYC वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद सेल्फी लेनी होगी, ठीक है। तो टेक सेल्फी पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए, कोई ग्लासेस नहीं, कोई कैप नहीं। अब यहाँ पर ओनली दिस टाइम कर देता हूँ क्लिक, रिकॉर्ड ऑडियो के लिए ओनली दिस टाइम,
अब यहाँ पर फेस अलाइन करना होगा, बिल्कुल मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। एक बार ग्लासेस हटा देता हूँ यहाँ पर, डन कर देता हूँ। सेल्फी अपलोड हो चुकी है, सबमिट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करूँगा एक बार दोबारा से अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड। ठीक है, अभी मैंने सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप कर ली हैं, अब मैं इसको एक बार वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है वी विल अपडेट यू चूज आफ्टर वेरीफाइंग योर एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पर रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करानी है। अब देखते हैं कब तक बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त होते हैं या कब तक हमें लोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमने रेट कर दिया है, अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, मतलब दिखा रहा है दिस जनरली टेक्स ए मैक्स ऑफ टू बिजनेस डेज, मतलब टू बिजनेस डेज में जो है ये एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग जो है मतलब हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो सकती है, देखते हैं अब कितना समय लगता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, अब जब ये बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त होंगे या यहाँ पर कोई भी अपडेट होगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन ओपन करा है, तो यहाँ पर मेरे ऑटो डेबिट जो है मतलब इनेट जो है वो एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बार दोबारा, हाँ देखिए रिव्यू एग्रीमेंट पर मैं क्लिक करके एक बार एग्रीमेंट देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडिंग पार्टनर ने विजडम फाइनेंस, लोन अमाउंट है 40,000 रुपये का, 3,068 रुपये जो है प्रोसेसिंग फी है, बाकी प्री EMI 427 रुपये, इंश्योरेंस 455 रुपये जो कि डिडक्ट होगा लोन अमाउंट में से, और अमाउंट जो ट्रांसफरेबल होगा वो होगा 36,050 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं आपको IT प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप फिर से दोबारा से देख लीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योर योर लोन ना, इस पर मेरे को चेक मार्क लगाना है जिससे कि लोन जो है वो मेरा इंश्योर हो जाएगा, मतलब लोन का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लीज वेट पर क्लिक कर देते हैं। आप देखिए यहाँ मेरा लोन एग्रीमेंट आ चुका है। ठीक है, मुझे एग्रीमेंट साइन करना है। ठीक है, एग्रीमेंट एक बार साइन कर लेता हूँ, यहाँ लिखा है बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ और मैं OTP के द्वारा जो है लोन यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लोन एग्रीमेंट है, इसको मैंने ब्लर इसलिए कर दिया ताकि मेरी बहुत सारी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं, तो इस कारण मैंने इसको ब्लर कर रखा है। खैर, तो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, कई पेज में है ये, आप देख सकते हैं कई सारे पेजेज हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, मैं एक बार साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको साइन कर देता हूँ। ठीक है, साइन एग्रीमेंट के लिए OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, उसको मुझे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो अभी वेट कर लेते हैं, आ चुका है OTP, ऑटोमेटिकली फिल हो गया, साइन नाउ पर क्लिक कर दिया, एग्रीमेंट वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली। तो अभी यहाँ पर ओनली दिस टाइम करके देखते हैं क्या होता है। जी, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और यहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस आवर्स, देख सकते हैं 40,000 रुपये का लोन अमाउंट जो है मुझे प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन ID वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, ऑटो डेबिट भी यहाँ पर इनेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है और आप भी यहाँ पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्यू ऑल ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करके जो है EMI डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि इस हिसाब से कुछ शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो 12 EMI पे करनी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो पहली EMI है वो मुझे 3 मार्च को पे करनी है, तो ये भी अच्छा है कि मुझे यहाँ पर अभी फरवरी में पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो अभी जनवरी चल रही है, मुझे पेमेंट जो करना है वो 3/3/2024 यानी 3 मार्च को पेमेंट करना है। ठीक है, और हर महीने की 3 तारीख को ही ऑटोमेटिकली जो है EMI डिडक्ट की जाएगी। लोन ID भी यहाँ पर सब कुछ दी हुई है, तो आप भी चाहें आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बैंक अकाउंट भी एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मुझे यहाँ पर 36,092 रुपये जो है बैंक अकाउंट में प्राप्त हुए हैं, जो कि हुए हैं 25 जनवरी को। ठीक है, और ये जो मैंने लोन अप्लाई किया था वो मैंने किया था 24 जनवरी को। ठीक है, यानी 2 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, और ये जो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 27 जनवरी, तो मैं 27 को वीडियो जो है वो रिलीज कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे आप हो सैलरीड या आप हो सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे SBI योनो ऐप का स्क्रीनशॉट है, फिर से क्लियर मैं आपको कर देता हूँ, SBI योनो ऐप का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है MoneyView पर्सनल लोन ऐप, और MoneyView की अगर मैं बात करूँ तो ये सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। अगर आपका कम सिविल स्कोर भी है, यानी अगर आपका सिविल स्कोर 600 एक्सपीरियन का 650 है,
तो भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का आपको यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। 16 से लेकर 39% इनका एनुअल इंटरेस्ट रेट रेंज है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक का आपको यहाँ पर टेन्योर प्राप्त हो सकता है। आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको तत्काल लोन प्राप्त हो सकता है और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली जैसी एप्लीकेशन के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आप मेरे लिंक से वहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। लेकिन ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस एप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई, या आप और किस लोन एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।